हो सकता है कि आज की कहानी पढ़कर आपकी आंखों में पानी आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस कहानी से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा जो आपको और आपकी फैमिली को कोई भी ऐसा गलत काम जो इस कहानी के पत्र ने अपने पिता के साथ किया है करने से रोकेगा। आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रह के उसके बेटे के घर रहने चला गया। यहाँ पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने ये सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मैच लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहाँ पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने पूरे बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आई। अब खाना के समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरह देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नज़र आते, मगर उन्हें जैसे कोई असर ही नहीं होता है। बूढ़े का पोता भी ये सब नज़ारा हमेशा देखता और वहां अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओगे तो दिन में खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई ये सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों के आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप को सामने खुलती हुई नज़र आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वहां पुराने मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़ा की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियों भी अब किसी को नहीं चिढ़ती थी। दोस्तों, यहाँ कहानी हमें बताती है हर वह पता जो आज हरा है वहाँ कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, आपको यह हार्ट टचिंग स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। खास करके ऐसे लोगों को साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके व्यवहार बड़े बूढ़ों के तरह अच्छा ना हो। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।